हम लोग बीइंग अलायंस पार्टनर हर जगह जाते हैं, बीजेपी के जहाँ जहाँ कैंडिडेट खड़े हैं, आइए बैठिए, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कैंडिडेट खड़े हैं उनको सपोर्ट करेंगे, मॉरल से भी करेंगे, पर्सनली भी करेंगे, और जो हमारे कार्यकर्ता है वो उनके कार्यकर्ताओं के साथ कंधे से कंधा मिला के मोदी जी ने जो नारा दिया है कि 400 के पार, वो नारा हमको अचीव करना है। और जब मोदी जी नारा देते हैं तो इसका मतलब हुआ कि मोदी की गारंटी है, मोदी की विश्वसनीयता है, मोदी की क्रेडिबिलिटी है। और वो क्रेडिबिलिटी ऐसे नहीं बनती है, क्रेडिबिलिटी पिछले 10 सालों में जो बनी है वो उनके काम से बनी है, उसका प्रचार प्रसार हमको करना है, और जो बीजेपी के कैंडिडेट खड़े हुए हैं उनको पूरे मतों से जिताना है। दूसरी बात ये है कि पूरे भारतवर्ष में एक इस तरह का माहौल बनाया जा रहा है कि हम लोग ईडी या सीबीआई का मिसयूज करते हैं। खासतौर से मैं ये बात क्लियर करना चाहता हूँ कि मोदी जी ने 2014 में जब आए थे तो कई डिक्लेरेशन किए थे, देश की जनता से कई वादे किए थे, उसमें एक बहुत बड़ा वादा था कि भ्रष्टाचार को जीरो टॉलरेंस, भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो वादा उनका खोखला कभी नहीं होता, जो वादा किया था उस वादे पे काम कर रहे हैं, चाहे वो किसी पार्टी का नेता हो, चाहे कोई इंडस्ट्रियलिस्ट हो, चाहे कॉर्पोरेट हाउस हो, कोई भी हो, जिसने गड़बड़ की है उसके लिए एजेंसियां स्वतंत्र हैं काम करने के लिए। आपको याद होगा 18 पार्टियां सुप्रीम कोर्ट गई थी इसी मसले पे कि सीबीआई और ईडी का मिसयूज हो रहा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनकी बात नहीं मानी, उन्होंने डाटा दिए, उन्होंने बाकायदा नेताओं के नाम दिए, लेकिन उसके बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, ये एजेंसियां अपना काम निष्पक्ष तरीके से रूल ऑफ द लॉ के हिसाब से कर रही हैं। तो भ्रष्टाचार की लड़ाई जारी रहेगी चाहे जितना ये लोग शोर मचाए। इसके साथ साथ मोदी जी ने ये भी कहा था कि देश की अर्थव्यवस्था को हम 5वीं अर्थव्यवस्था बनाएंगे, वो बना दी। अब टारगेट रख दिया कि 3री अर्थव्यवस्था बनाएंगे, उसके लिए प्रयासरत है, उसको आगे कार्रवाई चल रही है। और सबसे बड़ी बात है कि मोदी जी ने ये भी कहा था कि अंतिम आदमी जो गरीब आदमी है उसके विकास की उनको चिंता होगी, उसके रहन सहन की चिंता होगी, उसके भोजन की चिंता होगी, और वो सारे काम मोदी जी ने करके दिखाए हैं, चाहे उनके लिए शौचालय बनाने की बात है, चाहे मकान बनाने की बात है, चाहे कोरोना में मुफ्त भोजन की व्यवस्था करने की बात है, और वो आज भी जारी है, अगले 5 साल तक जारी रहेगी। तो ऐसा प्रधानमंत्री देशवासियों को मिला हुआ है, इसीलिए देश की जनता का विश्वास उनके साथ है।